एक समरी टाइप की देखेंगे क्या हुआ था। स्पर्मेटोगोनिया थे इनिशियल स्टेज में, स्पर्मेटोजेनेसिस जब होगी उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स में। जो स्पर्मेटिड्स जो रहेंगे वो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस को अपन कंबाइंडली क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो इनका एक्रोसोम होता है तो एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्म बाय द गॉल्गी बॉडीज। जो हमने यहाँ पे एक्रोसोम देखा था तो ये किससे बना हुआ, तो ये अपना एक्रोसोम लेयर है। तो ये किससे बनी हुई होती है, गॉल्गी बॉडीज से बनी हुई होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सेमिनेशन। इनसेमिनेशन क्या होता है, लिब्रेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सार्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सार्टोली सेल्स से हमारे, तो उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकल जाना किसका, स्पर्म का, मैच्योर होने के बाद वो क्या होता है, स्पर्मिएशन। फिर सेमिनेशन क्या होता है, लिब्रेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से निकलना सेमिनेशन हो गया। और इजैक्युलेशन क्या होता है, लिब्रेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी, मेल बॉडी से निकल जाना उसको बोलते हैं इजैक्युलेशन। और इनसेमिनेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन वजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना, वो होता है इनसेमिनेशन। अब हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखेंगे, तो हिस्टोलॉजी में कहाँ पर होती है, जो मेन स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होते हैं अपने, यहीं होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। फंक्शंस जो होता है, फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की, क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं फंक्शनल यूनिट है किसकी, मेल्स टेस्टिस की। वन टू थ्री जो रहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और टोटल जो है 750 to 1000 हो जाते हैं टेस्टिस में कम्प्लीटली, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लिव्यूल्स में 1 to 3 पाए जा रहे हैं। तो ऐसे कंपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स पड़े थे अपन ने, तो टोटल कितने 750 to 1000 जो जाते हैं टोटल हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब अपन देखेंगे इनका TS जो डायग्राम बना हुआ है, तो ये हमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, हिस्टोलॉजी मतलब उसका टिश्यू स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जो आउटर लेयर है उसको जर्म लेयर बोलते हैं, जिसमें जर्म सेल्स रहते हैं और इसमें स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर यहीं पे ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट जाते हैं। उसके बाद ये जो निकलते हैं तो स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म्स के फॉर्म में ये आउट हो जाते हैं। ओके, फिर ये जो बीच में इंटरस्टिशियल मतलब सेल्स के बीच की जो स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह, जो कि जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवा रहे थे, ठीक है। अब सार्टोली सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ये जो अपन को देखना है इसमें लंबे लंबे हिस्टोलॉजी में, ये इनको बोलते हैं अपन सार्टोली सेल्स। तो इनका काम क्या होता है, नरिशमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। नरिशमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, फिर करता है ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह एक्ट करता है, फिर फैगोसाइटिक, जैसे कोई भी डेड इंजर्ड स्पर्म है तो उसका फैगोसाइटोसिस करवा देता है। फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या, इसमें टेस्टोस्टेरोन में एक एरोमेटेज रहता है जिससे कि एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं इनका अपन कंबाइंडली। अभी तक अपन ने क्या देखा कि जो रेटी टेस्टिस होती है, स्पेशल पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रेटी टेस्टिस होती है, बासा फ्रेंसिया होती हैं, ये डक्ट होती हैं, क्या एपिडिडेमिस और बासा डिफरेंस, ये सारी मेल एसेसरी डक्ट्स रहती हैं। फिर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये सारे मिलके मेल एसेसरी ग्लैंड्स बनाते हैं। और सार्टोली सेल जो होते हैं मेन फीचर्स रहता है मैमिलरी टेस्टिस का, मैमिलरी टेस्टिस का मेन फीचर्स क्या होते हैं, सार्टोली सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या पाए जाते हैं, इनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आते हैं, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना और बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये इनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनका पूरा डायग्राम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, तो ये दिख रहा है ये क्या होता है इनका यूट्रस। यूट्रस ये अपनी क्या हो गई, फेलोपियन ट्यूब, ये जो हम देख रहे थे सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब देखा, तो ये फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। सेकंड क्या बोला, यूट्रस, तो ये इनका यूट्रस। वजाइना, तो यहाँ उनका वजाइना, और बार्थोलिन ग्लैंड्स, तो यहाँ पे इनके बार्थोलिन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं ओबरी, और यहाँ पे ये जो लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड हैं यूट्रस से, ये क्या है अपनी ओबरी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अब ओबरी क्या होती हैं, तो वन पेयर ओबरी प्रेजेंट होती हैं जो कि होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इनका हार्मोन्स क्या होता है, स्टेरॉयड इनके हार्मोन्स होते हैं। साइज देख लो 3 to 4 centimeters, एलमांड शेप की होती हैं और एब्डोमिनल कैविटी में बनती हैं। इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ, प्रेजेंट्स इन एब्डोमिनल कैविटी थ्रू आउट द लाइफ एंड फंक्शंस फ्रॉम दैट।
फ्रॉम देयर। ये हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ही एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रहती हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और शिफ्ट हो जाएं। लोकेटेड रहती हैं ओवेरियन फोसा में, जो एक फोसा टाइप का प्रेजेंट होता है। इतना याद रख सकते हो तो ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओवरी क्या रिलीज करती हैं? ओवम इन द पेरिटोनियम, एग डेट इज़ एग जो होता है सीलोमिक एग। ओवम कैंसर रहता है इनका, सीलोमिक एग रहता है, ठीक है। और ये ओवरी के थ्रू रिलीज होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एग को ओवम बोलते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब अपन ओवी डक्ट को बोलते हैं, जिसमें से जो है ओवरी से ओवम जो है पास होता है। वो कितना होता है? वन पेयर होता है फेलोपियन ट्यूब, हमने ऐसा लगा हुआ देखा था, ठीक है। उसमें स्थमिक, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये तीन पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब में। क्या होते हैं? स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ठीक है। फिर इन्फंडिबुलम क्या होता है? तो ये जो होता है लैटरल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो यहाँ पे ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसको क्या बोला है? फेलोपियन ट्यूब, ये वाला पार्ट। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फेलोपियन ट्यूब के फिंगर फिम्ब्री हैं, ठीक है। तो इसमें देखो फिम्ब्री देखा हमने, उसका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ओवम काम होता है। फिर एब्डोमिनल ऑस्टियम भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एंट्री ऑफ ओवम इन द फेलोपियन, जिसके थ्रू जो होता है एंट्री ऑफ ओवम होता है। इनमें एम्पुला प्रेजेंट होते हैं, तो ये डायलेटेड पार्ट होते हैं, लूज पार्ट, जिसकी थिन बॉल होती है। और यहाँ मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यदि कोई पूछे मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला, एम्पुला रीजन। फिर आया